नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो का NMMS एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। तो जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं साइंस के, आज हम बात करने वाले साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपका नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाला आपको इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डेली मैं लाता रहता हूँ। साइंस के हो गए, SST के हो गए, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली चलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपको यहाँ से बताना है सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह होता है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए सबसे गर्म ग्रह बताना है आपको। तो दोस्तों सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुध होता है सबसे गर्म ग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों सौर परिवार के ग्रह कौन, देखिए दोस्तों यहाँ पे सौर परिवार के कौन से ग्रह का लाल ग्रह कहा जाता है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो जो सौर परिवार के ग्रह कौन कौन से, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो सिंपली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कौन से बल के कारण चक्कर लगाती है, पृथ्वी देव सूर्य के कारण कौन से बल के कारण लगाते हैं, दोस्तों सिंपल ये गुरुत्वाकर्षण बल। ओजोन किस तत्व का औद्योगिक है, ओजोन किस तत्व का जो यौगिक होता है वो दोस्तों आपको देखिए ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों ओजोन का सूत्र होता है O3। तो यहाँ पे किसका यौगिक है आपको बताना है, तो सिंपली देख सकते हैं कि जो ओ है वो ओ क्या है, ऑक्सीजन का मात्रक है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। ठीक है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन दे रखा तो कार्बन का आ तो नहीं रहा, हाइड्रोजन नहीं आ रहा, नाइट्रोजन भी नहीं आ रहा, तो सिंपली ऑक्सीजन है, तो ए हो जाएगा आंसर। सामान्य तारों का निर्माण किन तत्वों से मिलकर होता है, जो तारों का निर्माण है वो कौन से तत्वों से मिलकर होता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में से कौन से किन ग्रहों को मानव आंखों के बिना यंत्र के देखा जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा ग्रह है जिनको बिना यंत्र के देखा जा सकता है, तो दोस्तों बुध हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, इनको देखा जा सकता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगेगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्धवाने पर, प्रति सूर्य और चंद्रमा एक सिद्धवाने पर, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक सिद्धवाने पर, या प्रति चंद्रमा सूर्य के एक सिद्धवाने पर, चार ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सिंपली दोस्तों बात करेंगे कि जो इसका हमें करेक्ट आंसर बात कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों आपका जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक सिद्ध में आने पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य देर का ना, तो सूर्य हम पहले लेके आएंगे, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का हो जाएगा आंसर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के बाद सबसे प्रथम निकटतम कौन तारा कौन सा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तारा हो जाएगा आपका, एक स्वेटर का आंसर हो जाएगा ए सीरियस। अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो दोस्तों यहाँ से आपको आंसर बताना है, तो अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन थे दोस्तों, राकेश शर्मा थे दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी राकेश शर्मा। ओरायन किसका उदाहरण है, ओरायन है वो किसका उदाहरण है, तो दोस्तों सिंपली बात कर लेते हैं ओरायन किसका उदाहरण है, तो ओरायन उदाहरण है तारा मंडल का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किन पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, कौन सा पदार्थ जिसका पुनर्चक्रण, अखबार का, एल्यूमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक बोतल, केवल फर्स्ट, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, और डी आपका एक दो तीन,
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं बताना है वो हो जाएगा आपका क्या। पुनर्चक्रण अखबार का किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति वर्णों में विभेदन नहीं कर पाता है, कौन सा दृष्टि दोष जो व्यक्ति होता है वर्णों का विभेदन नहीं कर पाता है, यानी व्यक्ति होता है ना वो देख नहीं पाता कि कौन सा वर्ण है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी वर्णाद्रोह, कौन सा रोग वर्णादोष होता है जिसमें व्यक्ति पता नहीं चलता कि कौन सा विभेदन रंग का है। वनों की नष्ट होने से क्या बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो सिंपली जो उसका आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन होते हैं, सॉरी वन होते हैं वो क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन आपका छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वन नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों में हम सांस किस लिए दोस्तों, हम ऑक्सीजन किससे लेते हैं, उससे लेते हैं पेड़ से, तो पेड़ ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे तो पेड़ की मात्रा तो बढ़ जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की, विद्युत सेल का, ठीक है दोस्तों, विद्युत सेल का बर्तन जो टर्मिनल होता है वो किसका कार्य करता है। तो सिंपली दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ऋण का कार्य करता है, यह हो जाएगा ऋण, ऋण आंसर आ जाएगा। कृत्रिम उपग्रह का नाम नहीं है, आपको आंसर बताना है दोस्तों किस पूरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह कौन सा नहीं, बाणभट्ट नहीं है, कौन सा नहीं, बाणभट्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो इतने है क्या, हाँ इतने हैं, ठीक है आज क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। आज उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करूँगा ऑफिशियली दोस्तों बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपकी, रोज़ आप वीडियो देखते नहीं हूँ तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया। चलिए वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जी हिंद, वंदे मातरम।